नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पोस्ट के फाइनल डेट जो है आपका क्या चीज, जो डेट फाइनल हो चुका है कि आपका रिजल्ट किस दिन आने जा रहा है, आपके सामने स्क्रीन पर सीएसबीसी का साइट भी दिखाई दे रहा है। हम आपको बताने वाले हैं कि आपको अपना रिजल्ट कहां पर चेक करना है और कैसे चेक करना है। साथ में अगर आप फिजिकल के बारे में बताने, फिजिकल चालू कीजिए, दौड़ शुरू कीजिए, नहीं तो ये आपका सपना ही रह जाएगा बिहार पुलिस बनना, क्योंकि बिहार पुलिस में आपका मेरिट फिजिकल पर ही बनता है। अब देखना यह है कि कट ऑफ जारी होगा कि नहीं, ये सभी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाले हैं किस दिन आपका रिजल्ट आने जा रहा है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है। साथ में जो नए साथी होंगे बिहार पुलिस के लिए, सबसे विश्वसनीय चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। एक चीज और ध्यान दीजिए कि बिहार पुलिस में सफलता पाने के लिए पढ़ाई के साथ, दौड़ के साथ आपके पास डॉक्यूमेंट्स जितने होते हैं वो सब चीज सही होना चाहिए। ये नहीं हो जाए कि आप मान लीजिए आप रिटर्न पास कर गए, दौड़ भी पास कर गए और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में घर लौट कर बाहर आ जाए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए भाई। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको हर कुछ इंफॉर्मेशन देना मेरा काम है। ये 10 डॉक्यूमेंट्स लगता है, जैसे ही फिजिकल पास कीजिएगा गेट पास के साथ में आपको 30 से 1 घंटा के बीच में, यानी 30 मिनट से 1 घंटा के बीच में बुलाया जाएगा और बोला जाएगा कि 10 डॉक्यूमेंट्स चेक कराइए, फिजिकल के साथ में ही लगता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कौन कौन से 10 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो वीडियो इसके पहले डाले हैं, हर हाल में देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो को मेरे इसी चैनल पर वो वीडियो है, जरूर देखकर जो भी डॉक्यूमेंट्स में आपके प्रॉब्लम है अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिएगा। चलिए अब आइए एक एक चीज को देखते हैं कि आपका रिजल्ट के बारे में, रिजल्ट किस दिन आने जा रहा है, कहां पर आपको चेक करना है। देखिए, आपको अपना रिजल्ट चेक करने के लिए क्या करना है, आपको आ जाना है सीएसबीसी, क्या चीज, सीएसबीसी, यानी ये जो सीएसबीसी को आपको ऑफिशियली साइट दिखाई दे रहा है, वेबसाइट दिखाई दे रहा है, इसी सीएसबीसी का ऑफिशियली वेबसाइट पर आपको आ जाना है और सर्च करना है सीएसबीसी। यहां पर आने के बाद ये जो फर्स्ट सेक्शन होम पेज पर आना है, ठीक, होम पेज पर आने के बाद ये बिहार पुलिस का आपका फर्स्ट सेक्शन जो दिखाई दे रहा है, देखिए 29/8/2024 तक अभी अपडेट हुआ है, यहीं पर आपका लिखा होगा सीए नंबर जो होता है, यानी कि बिहार पुलिस का आपका जो है यहीं पर रिजल्ट शो कर देगा। ठीक है, आपको बिहार फायर सर्विस, होम बिहार, होम गार्ड, प्रोविजन डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इन सभी में नहीं टिपना है, बिहार पुलिस जहां पर है वहीं पर क्लिक कीजिएगा, यहां पर आपका जो है रिजल्ट शो करने लगेगा। और रिजल्ट का घड़ी आपका समाप्त हो चुका है, क्योंकि रिजल्ट आपका बहुत जल्द आने जा रहा है, डेट भी फाइनल हो चुका है मेरे भाई कि आपका रिजल्ट किस दिन आने जा रहा है। इसलिए आप सबसे मेरा पहला रिक्वेस्ट ये है कि जो साथी अभी तक फिजिकल शुरू नहीं किए हैं, यानी ग्राउंड में जाने का काम नहीं किए हैं, दौड़ना शुरू नहीं किए हैं, उन सब से विनम्र निवेदन है कि आप फिजिकल का तैयारी शुरू कीजिए, मेरिट आपका सिलेक्शन वहीं से होगा, कुछ भी कर लीजिए। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप जो है फिजिकल का तैयारी शुरू कर दीजिए। अब चलिए हम आपको दिखाने चल रहे हैं कि किस दिन आपका रिजल्ट आने जा रहा है। देखिए, न्यूज़पेपर में तो दिया था कि इस माह आएगा सिपाही बहाली का रिजल्ट, यानी इसी महीना आने जा रहा है, तो इस महीना के लास्ट में आप सभी को मेरे भाई मालूम है कि दीपावली भी है, छठ भी है अगले महीना, इसलिए उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। साथ में लिखा गया है कि दिसंबर में दूसरे चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी कि दिसंबर में ही आपका जो है दूसरे सप्ताह में उम्मीद है कि आपका जो है दौड़ लिया जाएगा, हाई जंप लिया जाएगा, गोला फेंक लिया जाएगा। आपको मालूम है कि फिजिकल में आपको 50 अंक का जो आपका होता है दौड़ होता है, साथ में 50 अंक का दौड़, 25 अंक का आपका गोला फेंक और 25 अंक का हाई जंप होता है, यानी टोटल आपका 100 अंक होता है। और इन्हीं 100 अंक से ही आपका जो है मेरिट को तैयार किया जाता है, जिसका सबसे ज्यादा रहता है उसी का सिलेक्शन होता है, क्योंकि बिहार पुलिस में आपका 21,391 पोस्ट, कितने 21,391 पोस्टों के लिए आप जब देखिएगा, एक चीज ध्यान दीजिए, फिर से बता रहे हैं, बिहार पुलिस में आपका 21,391 पोस्टों के लिए आपका
पांच गुना रिजल्ट दिया जाता है। कितना? पांच गुना, यानी कि 21,391 का पांच गुना जब देखिएगा तो 1.06 ठीक लाख, इतना आपका रिजल्ट आएगा। यानी इतने लड़का में से आपको 21,391 का ही सिलेक्शन होगा, तो यानी कि एक सीट पर पांच लड़का दौड़ने जाएगा। मानते हैं कि दो लड़का अगर डिस्क्वालीफाई होता है, तीन लड़का से मेरिट बनाना है, तो फिजिकल आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट देना होता है, इसीलिए फिजिकल के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दिए। अब आइए कि आपका रिजल्ट कब आएगा। देखिए इस सप्ताह, कौन सा है? इस सप्ताह, ये जो सप्ताह चल रहा है इस सप्ताह आपका रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट का काम है जो अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगा। अगले सप्ताह में आपका बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट के लिए जो रिजल्ट है वो कभी भी जारी हो सकता है। क्यों बोल रहे हैं? जब आप देखिएगा कि अगले सप्ताह में आपको फुली टाइम मिल रहा है सीएसबीसी के जितने भी अधिकारी हैं उनको काम करने का, और रिजल्ट अगले सप्ताह में आने का आपका 90% उम्मीद है। कितने? 90% ये संभावना है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो आपका रिजल्ट है अगले सप्ताह आएगा, क्योंकि उसके अगले सप्ताह दीपावली है, धनतेरस है, उसमें आपको उस सप्ताह में ऑफिस मात्र दो ही दिन खुला है। दो दिन खुला होने के कारण कितने काम होगा नहीं होगा इस चीज का तो गारंटी नहीं है। अगर 90% उम्मीद है कि अगले सप्ताह जो आ रहा है आपको उसमें रिजल्ट आएगा, अगर नहीं आया तब आप 28-29 को उम्मीद रखिएगा रिजल्ट आने का। लेकिन मैक्सिमम संभावना बोला जाए, अधिकतर संभावना अगर मेरे भाई बोला जाए तो आपका रिजल्ट अगले सप्ताह में देखने को मिल सकता है। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, 100% अपना फिजिकल से ही मेरिट बना लीजिए। अब चलिए डॉक्यूमेंट्स वाले, हर हाल में आप देख लीजिएगा कि आपके लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा 21,391 के लिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होगा उसको हर हाल में आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है डॉक्यूमेंट्स को। और ये डॉक्यूमेंट्स वाला जो वीडियो है, पिछला मेरा वीडियो बिहार पुलिस कांस्टेबल का डॉक्यूमेंट्स का ही है, जहां से आप डॉक्यूमेंट्स देख लीजिएगा। 10 डॉक्यूमेंट्स में एक भी डॉक्यूमेंट्स का कमी नहीं होना चाहिए, टोटली चीज दम रेडी करके लेके जाना है। अब ये थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं कि अब रहा कि कट ऑफ के बारे में, कि देखिए अगर लड़कों का बात किया जाए तो ईवर में अगर 57+ के आ रहा है तो आप 100% फिजिकल में लग जाइए। और ईवर ईवर बॉय के बारे में बात कर रहे हैं, वही गर्ल्स के बारे में बात करें, लड़कियों के बारे में बात करें, अगर लड़की लोग में अगर बात किया जाए 53+ भी आ रहा है जनरल लड़की। ये जनरल लड़के के बारे में बताए हैं, ये जनरल लड़की लोग के बारे में बताए हैं कि जनरल लड़की में अगर 53 नंबर है तो फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। जनरल लड़के में 57 नंबर भी आ रहा है तो फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि समय बहुत कम है। हमें पूरा उम्मीद है हर कुछ आपको समझ में आया होगा। आज के वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।